प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री मई महीने के मासिक राशि फल के कार्यक्रम में सभी मिथुन राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, नवग्रहों की जो स्थिति है गोचर कुंडली में आपके लिए कैसी बनी हुई है, कैसे आप अपने मई माह को और बेहतर बनाएं, कौन से वो उपाय हैं, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, नौकरी व्यवसाय कामकाज आर्थिक स्थिति शुभ तारीखें अशुभ तारीखें, इन तमाम बातों की चर्चा इस राशि फल के अंतर्गत हम करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको ये बताते चले, राशि फल का ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि पर आधारित है। इस राशि फल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं आपकी ग्रह गोचर स्थिति पर। तो मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं बुध देव हैं, बुध मंगल राहु दसवें भाव में स्थित हैं, मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव और सूर्यदेव तीन पावरफुल ग्रह आपके लिए रेगुलर इनकम के हाउस में स्थित हैं। शनिदेव भाग्य भाव में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतुदेव कन्या राशि के अंतर्गत फोर्थ हाउस में स्थित हैं। और चंद्रमा की बात करें तो मासारंभ में चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव के अंतर्गत मकर राशि में होगी, उसके उपरांत इनका राशि परिवर्तन होता रहेगा, तो इनकी चर्चा हम अंत में करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ ग्रहों का परिवर्तन भी होगा, तो कौन कौन से वो परिवर्तन हैं, मिथुन राशि के जातकों के लिए कहां पर ये होने वाले हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का होगा, और देवगुरु बृहस्पति लगभग एक साल के पश्चात मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, बारहवें भाव में आकर के आपके लिए स्थित होंगे। दूसरा परिवर्तन बुधदेव का होगा, आपके राशि स्वामी बुधदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, 10 तारीख को ये मीन राशि को छोड़कर के मेष में प्रवेश करेंगे। 14 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन, सूर्यदेव अपनी उच्च राशि को छोड़कर के भी वृषभ राशि के अंतर्गत आएंगे, देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव की युति बनेगी। 19 तारीख को शुक्रदेव का परिवर्तन होगा और शुक्रदेव भी मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि स्वराशि में आकर के स्थित होंगे। पुनः तीन ग्रहों की युति आपके लिए बारहवें भाव में बनेगी, देवगुरु बृहस्पति सूर्यदेव और शुक्रदेव। ये आपकी मई महीने की ग्रह गोचर स्थिति है। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा इस मई के माह में। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई के माह में अच्छी स्थिति बन रही है। मिश्रित प्रभावशाली माह ये रहेगा, जब सूर्यदेव बारहवें भाव के अंतर्गत होंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, छोटी मोटी दिक्कतें आंखों से संबंधित समस्याएं आधा सीसी का दर्द सर दर्द इत्यादि छोटी छोटी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। यहां पर थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा, अपने खान पान का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का जो महीना है आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल जरूर देना है, संभव हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करिएगा, नहीं संभव है तो हम घृणी सूर्यायन महेश मंत्र का जप कर सकते हैं। बुधदेव की प्रसन्नता के लिए हर बुधवार को भगवान गणपति की आराधना करना भी मिथुन राशि के जातकों को लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए भगवान गणपति की आराधना जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नौकरी व्यवसाय की बात करें तो प्रिय दर्शकों, कर्म भाव के स्वामी मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि बारहवें भाव में संचरण करेंगे। यहां पर राहु स्थित है, बुधदेव स्थित है और साथ साथ मंगल देव स्थित है। मंगल और राहु का अंगारक दोष आपके लिए कार्य क्षेत्र में बना हुआ है, कर्म भाव को लेकर के थोड़ा संशय में जरूर रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ अनबन हो सकती है और कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, नई चुनौतियों का सामना रहेगा। इसके साथ साथ यात्राओं वाला कार्य क्षेत्र आपका रहेगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें या नौकरी के क्षेत्र से, कहीं ना कहीं यात्राओं की स्थिति आपके लिए अवश्य बन रही है। कुछ यात्राएं आपके पक्ष में होंगी लेकिन कुछ व्यर्थ की यात्राएं आपकी हो सकती हैं, तो कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सा सतर्क सावधान आपने जरूर रहना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप मिथुन राशि के जातक हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, मंगल राहु का जो अंगारक दोष आपके लिए बना हुआ है ये कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को बिगाड़ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपन से क्रोध करने से आपको बचना होगा। विशेषकर मिथुन राशि के वो जातक जो भूमि भवन से संबंधित कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कृषि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें प्रिय दर्शकों, आर्थिक स्थिति के स्वामी मंगलदेव आपके लिए बनते हैं। यहां पर सूर्य गुरु और शुक्र की स्थिति रहेगी, लगभग तीन सप्ताह अच्छी स्थिति रहेगी। देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव की स्थिति यहां पर कहीं ना कहीं मजबूत होती है और सूर्यदेव भी यहां पर स्थित है, तो
फैमिली का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा, लाभ की स्थितियां बनेंगी, कोई पुराना इन्वेस्ट अच्छा लाभ देकर के जा सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहां पर अच्छी स्थितियां बन रही है, पिता के माध्यम से अच्छा लाभ होगा और स्त्री के माध्यम से भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से 3 सप्ताह या यूं कहे 1 मई से लेकर के 19 मई तक की जो स्थिति है बहुत हद तक आपके पक्ष में होगी। उसके बाद खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकते हैं, व्यर्थ का पैसा आपका खर्च हो सकता है, कर्ज इत्यादि दे सकते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति से भी आपने जरूर बचना है। व्यर्थ का खर्च करने से जरूर बचिएगा और ऋण के लेन देन करते समय भी आपको थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील व प्रभावशाली ग्रह है। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, जन्म कुंडली में शुभ भाव में संचरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक रिजल्ट देने का कार्य करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जन्म कुंडली में 3, 6, 8, 12 इत्यादि क्रूर भावों में स्थित होते हैं, वह क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें देने का कार्य भी करते हैं और नेगेटिविटी देने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन तो आपके पक्ष में होते हैं जब आपको हर संभव हर जगह से सफलता प्राप्त होती है, लेकिन 6 से 8 दिन आपके ऐसे अवश्य होते हैं जब आपको हर जगह नकारात्मकता दिखाई देती है। प्रिय दर्शकों, ऐसी कौन कौन सी तारीखें आपके लिए बन रही हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के जातकों को मई के माह में 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 29 और 30 मई शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ होगा। वहीं 1, 4, 5, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 27 और 28 मई को आपने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। शेष तारीखें आपके लिए मान्य तारीखें रहेंगी। मई का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर।